चर्चाओं में कैटिया ग्रुप का थोते थानेदार विज्ञापन, बड़ी जानकारी। चर्चाओं में केडिया ग्रुप का थोते थानेदार विज्ञापन चर्चाओं में बना हुआ है। थोते थानेदार पर खाकी ने सवाल खड़े किए हैं। विज्ञापन को लेकर पुलिस कर्मियों ने निंदा की है। पुलिसिंग की रीड थानेदार पर केडिया ग्रुप के एड ने करवाई। अब विज्ञापन पर चारों तरफ हो रही है बातें। थोते थानेदार विज्ञापन को लेकर अब प्रदेश के पुलिस कर्मियों में रोष है। अखबारों में थोते थानेदार का एड और हो गया विवाद। ध्यान आकर्षित करने का ये कैसा तरीका है? क्या फ्लैट बेचने के लिए खाकी को बेइज्जत करेंगे ये लोग? केडिया ग्रुप ने ये एडवर्टाइजमेंट दिया, अखबार में विज्ञापन दिया, थोते थानेदार का जिक्र करते हुए ये विज्ञापन दिया गया, लेकिन इसको लेकर अब पुलिस कर्मियों में रोष है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस कर्मियों को बदनाम करने की साजिश है क्या? अब इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सवाल खड़े किए। विज्ञापन का यह कैसा तरीका है? थानेदार पुलिसिंग की रीड है, अच्छी बुरी सभी जगह पर है। इस तरह से दूषित मंशा से की गई अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और जिसको लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया है पुलिस अधिकारियों ने इस एड को। तो विज्ञापन को लेकर पुलिस कर्मियों ने इसकी निंदा की है। थोते थानेदार के नाम से यह विज्ञापन दिया, और इसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस कर्मियों ने एफआईआर दर्ज कराई है केडे ग्रुप के खिलाफ। क्या फ्लैट बेचने के लिए खाकी को बेइज्जत करेंगे? तो एक तरफ हम आपको वो विज्ञापन दिखा रहे हैं जो केडिया ग्रुप ने दिया, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों ने अब केडिया ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। लेकिन अब ये विज्ञापन चर्चाओं का विषय बन गया है, मजाक बना के रख दिया है। आप देख सकते हैं क्या है थोते थानेदार, जबकि वो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारी रक्षा करते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन ये केडिया ग्रुप अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, विज्ञापन को वायरल करने के लिए थोते थानेदार लिखकर विज्ञापन दे रहा है। संवाददाता राकेश दादी जुड़ चुके फोन लाइन पर। राकेश, पूरा माजरा समझाइए एक बार। चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये फिलहाल की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विज्ञापन पर चारों तरफ तरह तरह की बातें हो रही हैं। थोते थानेदार को लेकर अब विवाद जोरदार हो गया है। चर्चाओं में केडिया ग्रुप का थोते थानेदार विज्ञापन आप देख सकते हैं। अब इसी को लेकर पुलिस कर्मियों ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या तरीका है चर्चा में आने का, क्या तरीका है अपने विज्ञापन को आगे ले जाने का, जबकि पुलिस हमारी रीढ़ है, पुलिस इस देश की रक्षा करती है। लेकिन केडिया ग्रुप ने एक ऐसा ऐड दिया जिस वजह से ये ऐड अब चर्चाओं में बन गया है। पुलिस को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें बनने लगी हैं। वहीं प्रदेश के पुलिसकर्मियों में रोष भी देखा जा रहा है। अखबारों में थोते थानेदार का ऐड दिया गया, अब ये काफी विवाद में आ गया है। ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका देखिए आप, पुलिस को ही बेइज्जत किया जा रहा है। केडिया ग्रुप पुलिस को ही बेइज्जत कर रहा है, और इस बेइज्जत के जरिए ही देखिए ऐड दिया गया है ताकि ये चर्चा में आए और लोगों तक ये ऐड पहुंचे। लेकिन तरीका गलत है ये। इस तरीके से ऐड देना, विज्ञापन देना कहां तक सही है? अपनी ही पुलिस की बेइज्जत करना, उसको बदनाम करना कहां तक सही है? मजाक बना के रखा है, आप देख सकते हैं। संवाददाता राकेश जुड़ चुके फोन लाइन पर। राकेश, पूरा माजरा समझाएं एक बार। राकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, कालवा थाना के सब इंस्पेक्टर ने पूरा प्रकरण दर्ज कराया है, क्योंकि वो किसी अनुसंधान के लिए थाने से अल सुबह निकले थे, और जैसा एफआईआर में अंकित किया गया है कि
कुछ लोगों ने उनको जो विज्ञापन जारी हुआ था उस विज्ञापन में छोटे थानेदार का नाम लेकर उनको संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद उनको जैसे ही इस नाम से संबोधित किया तो मन में कुंठा जाहिर हुई, और कुंठा जाहिर होने के बाद जैसे ही वो थाने आए तो प्रकरण को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से FIR दर्ज करी। पूरे मामले को लेकर जो अनुसंधान अधिकारी खुद थाना अधिकारी वो महावीर सिंह यादव वो पूरे प्रकरण की जाँच कर रहे हैं। जी बिल्कुल राकेश, देखिए फिलहाल अभी FIR दर्ज हो गई है, और क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी को इस विज्ञापन को लेकर? बिल्कुल, जो FIR दर्ज कराई गई है FIR में साफ तौर पे जो सब इंस्पेक्टर है उनने कहा है कि मेरे पद की गरिमा को धूमिल करने और राजस्थान पुलिस की गरिमा मई की छवि पर संस्थागत हमला करने एवं लोगों से भ्रामक विज्ञापन के संबंध में रुपए ऐंठने के लिए टेरे ग्रुप के तेजिस्तान आवासीय योजना के मालिक एवं इसमें सम्मिलित अन्य व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के लिए सब इंस्पेक्टर ने गुहार लगाई है। पूरे प्रकरण को लेकर जो DCP वह संदीप कुमार है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का उच्च स्तरीय अनुसंधान किया जाएगा। इस तरह इसके जो भ्रामक विज्ञापन एक कोलोनाइजर के द्वारा प्रकाशित किया गया है, पूरे प्रकरण को लेकर अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान के दौरान क्या पुलिस इस पर एक्शन लेती है देखने वाली बात होगी। लेकिन राकेश, ये क्या तरीका है विज्ञापन देने का? एक तरफ देखिए जो पुलिसकर्मी है वो तो इसका विरोध कर रही रहे, लेकिन KDIA ग्रुप ने क्या तरीका अपनाया है कि इस तरीके से चर्चाओं में आना है या इस तरीके से विज्ञापन को वायरल करना है? देखिए, जब ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ अखबारों में उसके बाद से ही पुलिस मैगजीन इस विज्ञापन को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि इस तरह से किसी भी जो संस्था है संस्था के व्यक्ति के साथ पर ये एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है जिससे आमजन डायरेक्ट एक इंटरफेयर होता है और वो लगातार इनके संपर्क में होता है। न्याय के दुहार के लिए जो खाकी धारक व्यक्ति है उससे आमजन प्रभावित होता है, ऐसे में इस तरह के विज्ञापन पुलिस की जो छवि है उसको धूमिल करते नजर आते हैं। स्पष्ट रूप से इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि अब पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पुलिस कर्मी के द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई है। राकेश जी, राकेश बात पूरी कीजिए। चलिए, सब टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए हालांकि एक्शन तो लिया गया है और इसको लेकर FIR भी दर्ज हो गई है। IPS ऑफिसर मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज चौधरी। पंकज जी, स्वागत है आपका सच में धड़क में। जी नमस्कार। पंकज जी, ये किस तरीके से जो KDIA ग्रुप है उसने एक विज्ञापन दिया जिसमें धोते थानेदार का जिक्र किया गया, क्या तरीका है इन लोगों का? पुलिस को क्या बदनाम करने की कोशिश हो रही है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जैसा कि सुबह से ही काफी चीजें इस घटना को लेकर लोगों ने व्यक्त किया है। पुलिस के एंगल से देखें तो थानेदार जो है पुलिस की एक तरह से कह सकते हैं कि रीढ़ होती है हमारी संस्था की है, और उसका किसी तरह का नामांकन किसी विज्ञापन में देना ये गलत है। और इसके प्रति क्या मंशा है और किस प्रकार के इनकी भावना है ये इनको बताना पड़ेगा। अब इस प्रकार से आगे की जो कार्रवाई चल रही है उसमें सारी चीजें निकल के आएंगी जो है। और लोगों का जो ध्यान आकर्षित करने का जो तरीका है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और असंवैधानिक है। बिल्कुल आपने सही कहा, यह असंवैधानिक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे कहीं ना कहीं पुलिस की बदनामी और साथ ही ये बेइज्जती होना भी करार दिया जाता है। पंकज जी, जाहिर है कि अब आपकी तरफ से FIR भी दर्ज करा दी गई है और इसको लेकर अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्या KDIA ग्रुप के किसी मेंबर से कोई बातचीत हुई इस मामले को लेकर? नहीं नहीं, आप तो चूंकि मुझसे वर्जन ले रहे हैं तो मैंने अपना वर्जन आपको बता दिया है जी। आगे की जो भी कार्रवाई हो रही है पुलिस का जो संबंधित विंग है वो उस कार्रवाई को आगे करेगा, उससे बातचीत करेगा, नोटिस देगा, उनसे बयान लेगा, ये उनकी प्रक्रिया है। आपने चूंकि हमसे बातचीत की, हमने अपना
वर्जन आपको दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल की ये जानकारी हम आपको देने, अपडेट ये आई कि फिलहाल देखिए FIR दर्ज करा दी गई है केडिया ग्रुप के खिलाफ, लेकिन विज्ञापन को लेकर पुलिसकर्मियों में निंदा भी देखी गई है, रोष देखा गया है। धोते थानेदार का यहाँ पर विज्ञापन दिया गया केडिया ग्रुप की तरफ से, और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया।